खबर कुल मिलाकर यह है कि खामनेई को लेकर अब तक था कि उनको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया, लेकिन उनका बड़ा बयान है अंतिम विजय सत्य की होती है। खामनेई ने यह बहुत बड़ी बात कही है, इसराइल को और बड़े जख्म देने होंगे। अब जरा राहुल इस बात को समझाइए कि आयतुल्ला खामनेई की तरफ से यह कहा गया है कि इसराइल को और बड़े जख्म देने होंगे और अंतिम विजय सत्य की होती है। बयान आया है उससे आप दो लिहाज से देखिए। पहला ये कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स से क्या दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि पश्चियान भले ही तथाकथित उदारवादी लिबरल हो, वो भले ही राष्ट्रपति हो, लेकिन जब भी युद्ध का फैसला लिया जाएगा तो सुप्रीम लीडर के तहत वो खमेनी लेंगे, वो पश्चिया नहीं लेंगे। इंटरनल लिहाज से उन्होंने ये भी दिखाया पश्चिया बहुल देश है। अगर हम ईरान की बात करते हैं, पश्चिया बहुल ही हिजबुल्ला है जहां पर हमला हुआ, टॉप लीडरशिप को मकिया में कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो वो भी दिखाने की कोशिश इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से है। एक्सटर्नल के लिहाज से ये है कि एक बड़ा मंच बनाने की कोशिश है। ईरान ने कहा था कि OIC की बैठक होनी चाहिए, तमाम जो मुस्लिम मुल्क है वो एक साथ आए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।